अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खाना शफ़ी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अशरफी कैसेट। नाज़रीन, जैसा कि आपको बहुत पहले आप इत्तला कर दी गई थी, हमने कम्युनिटी टैब में लगा दिया था कि 23-24 जून को गुसल है। आज की डेट 23 है, 23 तारीख है, दिन है जुमेरात का। और इंतज़ामिया कमेटी के सामने देखिए ढेरों सारे स्टॉल लगे हुए हैं, यानी केवड़ा जल और गुलाब जल, जिस तरह के जो भी ज़रूरत है आदमी कमेटी से लोग ज़ायरीन गुलाब जल केवड़ा या जो भी ज़रूरत है यहाँ मुहैया किया गया है। सब खरीद रहे हैं, ले रहे हैं और वहाँ कमेटी में जमा कर रहे हैं। कमेटी में जमा करने का मतलब ये है, इंतज़ामिया कमेटी में बोतलें जमा कर दी जाती हैं और वही बोतल जाती है आस्ताने पे। आस्ताने पे मतलब सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलमत रिजवान के गुस्ल मुबारक के लिए। गुस्ल के मुबारक के लिए आप जैसा कि जानते हैं हर साल ये गुस्ल मुबारक एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हर साल यहाँ पे होता है। जिस तरह से उर्स में आवाम यानी कि ज़ायरीन आते हैं, इस तरह से गुस्ल के लिए भी दरगाह के ऊंचा शरीफ में लोग आते हैं। अब देखिए यहाँ का निज़ाम किस तरह से चलता है, किस तरह से होता है, हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। अगर आपको बोतलें जमा करनी है गुस्ल की, तो गुस्ल की सारी बोतलें आपकी यहाँ पर जमा होती हैं। और देखिए जिस तरह से लोग गुस्ल की बोतलें जमा करें, कमेटी है ये, इंतजाम कमेटी के अंदर का हम आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर्ची कटानी होती है, जितने के भी पर्ची होती है। ये पर्ची कितने की आती है, ये किस तरह की पर्ची काट रहे हैं आप, ये किस तरह की पर्ची है? ये मखदूम पाक के मजार शरीफ के गुस्ल के लिए केवड़ा जमा हो रहा है, उसी के लिए पर्ची टोकन दिया जा रहा है। तो ये आप टोकन देते हैं, टोकन देने के बाद मतलब अगर जिनको ज़रूरत है यानी गुस्ल के केवड़े की, तो क्या आप किस तरह से देते हैं? जिनका टिकट रिजर्वेशन होगा उसको जो है सबसे पहले दिया जाएगा। अच्छा, उनकी आसानी के लिए आप पहले दे देते हैं ताकि उनको आसानी, यानी कि जुमा के दिन सुबह से ही गुस्ल होने के 1-2 घंटे के बाद से जो है जिनका टिकट रिजर्वेशन है उनको तुरंत देना चालू कर रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ का निज़ाम आप देख सकते हैं। ये गुस्ल की बोतलें यहाँ जमा कर दी जाती हैं और ये सब बोतलें आप देख रहे हैं ये आस्ताने पे जाएंगी। सुबह के वक्त जब गुस्ल होगा तो ये सारी बोतलें वहाँ जमा कर दी जाएंगी, जिससे गुस्ल के काम को अंजाम दिया जाएगा। और दूसरे दिन यानी कि जुमा के दिन सारी बोतलें सबको मिल जाएगी वापस, इसी को गुस्ल का वो आप कह सकते हैं प्रोग्राम होता है जो भी। फिलहाल आप दरगाह आस्ताने की भीड़ देख सकते हैं, किस तरह से भीड़ लग चुकी है गुस्ल मुबारक का प्रोग्राम है। आज रात को होना है। जैसा कि आप जानते हैं गुस्ल मुबारक के वक्त में जितनी भी यहाँ मज़ारें हैं सज्जादा नशीनों की है, और इन मज़ारों की भी गुस्ल की अदायगी होती है। और सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलमत रिजवान के आस्ताने यानी कि मज़ार मुक़दस की भी गुस्ल कराया जाता है। और ये जो आप भीड़ देख पा रहे हैं जुमे रात के दिन का यानी कि 23 जून का है, ये करीब दोपहर का वक्त है। और ये भीड़ भाड़ जो आपको रोज़े मुबारक पर दिख रही है ये गुस्ल मुबारक में आए हुए ज़ायरीनों का है। गुस्ल के दिनों में होता क्या है, आइए हम आपको बताते चलें कि दरअसल होता ये है कि जिस दिन गुस्ल होता है यानी जुमेरात के रात को गुस्ल होता है, और सुबह को कमेटी में आप कमेटी का जहाँ भी आपने गुस्ल की बोतलें जमा की है उसके दूसरे दिन गुस्ल का पानी आपको टोकन के साथ आपको वापस कर दिया जाता है। जुमेरात के दिन रात भर प्रोग्राम चलता है कवाली वगैरह का, और सुबह के वक्त में 3-4 के आसपास में जो है गुस्ल होता है। और सुबह 10 बजे के आसपास जहाँ भी आपको आपने टोकन जमा किया हुआ वो टोकन आप जब देते हैं तो आपको बोतलें वापस दे दी जाती हैं। और कमेटी के अलावा, इंतजामिया कमेटी के अलावा आपको जगह जगह पर दुकानों पर भी बोतलें बहुत से मिल जाएंगी, और बोतलों के साथ एक पर्चा बोर्ड लगा हुआ है जैसा कि आप वीडियो में हम आपको दिखा दें। ये इस तरह का पर्चा इस तरह का लोगों ने दुकान में लगा रखा है। दरगाह की सुरक्षा में जहाँ जहाँ भी बोतलें जमा हो रही हैं आप वहाँ जमा कहीं भी जमा कर सकते हैं, और आपको एक टोकन दिया जाएगा, उसी टोकन से आपकी बोतलें आपको वापस की जाएगी। और कहीं आप देखेंगे बोतल तो जमा ही हो रही है, और उसके अलावा लोगों ने पर्चा यानी कि बोर्ड भी एक लगा रखा है गुस्ल की बोतलें जमा करने के लिए।
जो टोकन आपको दिया गया होगा वो टोकन आप वापस करेंगे तो आपको आपकी बोतलें वापस कर दी जाएंगी। फिलहाल आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से दरगाह में भर चुकी है।